हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू केमिस्ट्री क्लास। इन टुडे केमिस्ट्री क्लास वी आर गोइंग टू स्टार्ट मोल कॉन्सेप्ट। बच्चों, आज की क्लास में हम लोग मोल कॉन्सेप्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं। और जैसे पहले भी हमने बताया कि मोल कॉन्सेप्ट बहुत इम्पॉर्टेंट है किसी भी कंपटीशन के लिए, चाहे आईटी हो, पीएमटी हो, नीट हो। ओके, और जो हमने इसके पहले एवोगैड्रोज लॉ पढ़ा था, एवोगैड्रोज लॉ में भी हमने कुछ चीज़ें बताई थी, वही वो मोल कॉन्सेप्ट है। तो बहुत ज़्यादा घबराने की जरूरत नहीं है, बहुत इजी है। सबसे पहले तो बता दें कि यहाँ पे मोल, मोल का मतलब होता है हीट। ओके, हीट, या इसको हम और फाइल कहते हैं। ओके, हीप और फाइल जो होता है वो बताता है क्या, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस बताता है। मोल क्या बताता है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। इट इज सेवेंथ फंडामेंटल क्वांटिटी क्वांटिटी विच टेल्स अबाउट अमाउंट ऑफ सब्सटेंस amount of substance। ओके, जो हम लोग फिजिक्स में फंडामेंटल क्वांटिटी, फंडामेंटल प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं, तो फंडामेंटल सेवन क्वांटिटीज होती हैं। उसमें से सेवेंथ जो फंडामेंटल क्वांटिटी है वो मोल है। ठीक है, और ये बताता है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को। ये किसको बताता है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को। मोल टर्म, मोल जो है टर्म मोल वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाई बाई पोस्ट वार, पोस्ट वार, वेल पोस्ट वार ने सबसे पहले मोल जो है कि वर्ड यूज किया था, मोल। ठीक है, एक एक पॉइंट इसमें इम्पोर्टेंट है, और शुरू से अगर हम पढ़ते चलेंगे, कहीं कोई टॉपिक लूज नहीं करेंगे, तो जाहिर है कि मूल कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ जाएगा। ओके, अब इसको कहते हैं कि मूल इज डिफाइंड एज अमाउंट ऑफ सब्सटेंस ऑफ सब्सटेंस विच कंटेन्स सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, सेम नंबर ऑफ आयन, सेम नंबर ऑफ फंडामेंटल पार्टिकल कंटेन सेम नंबर ऑफ फंडामेंटल पार्टिकल्स पार्टिकल्स
क्या हो सकते हैं पार्टिकल्स, एटम मॉलिक्यूल, एटम मॉलिक्यूल और आयंस। ओके, एटम मॉलिक्यूल्स और आयंस एज मच मॉलिक्यूल पार्टिकल्स प्रेजेंट इन प्रेजेंट इन 12 ग्राम ऑफ कार्बन 12। ठीक है, ये 7th फंडामेंटल पार्टिकल है। एक बार फिर से बता देते हैं, ये अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को बताता है। टर्म मोल सबसे पहले ओस्टवाल्ड ने इंट्रोड्यूस किया और डिफाइन किया कि ये अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है और इसके अंदर उतने ही नंबर ऑफ पार्टिकल्स पाए जाते हैं जितने की पार्टिकल प्रेजेंट होते हैं 12 ग्राम ऑफ कार्बन। 12 ग्राम क्या है? 12 ग्राम एटॉमिक मास ऑफ द कार्बन है। 12 ग्राम क्या है? एटॉमिक मास ऑफ कार्बन है। ठीक है, तो 12 ग्राम कार्बन के अंदर जितने भी एटम होते हैं उस 12 ग्राम कार्बन के अंदर जितने एटम होते हैं उतने ही सारे सब्सटेंस के अंदर होते हैं। ठीक है, सॉरी, नो डाउट, चलिए नोट कर लिए। अब यही फंडामेंटल पॉइंट्स है जिसको हमें ध्यान में रखना है। ठीक है, भूलना नहीं चाहिए। अब इसमें हम जो पॉइंट लिखने जा रहे हैं उसको अच्छे से नोट कर लीजिए, छूटना नहीं चाहिए। 1 मोल इक्वल टू 6.022 इंटू 10^23 एटम्स। ओके, इक्वल टू 1 ग्राम एटम, 1 ग्राम एटम, एंड दिस इज इक्वल टू 1 ग्राम एटॉमिक मास। ओके, इस चीज को ध्यान में रखना है कि 1 मोल इज इक्वल टू 6.022 इंटू 10^23 एटम्स। 1 ग्राम एटम, ये इक्वल टू 1 ग्राम एटम होता है और ये इक्वल टू 1 ग्राम एटॉमिक मास होता है, 1 ग्राम एटॉमिक मास होता है। अब सेकंड पॉइंट हमारा जो है सेम मॉलिक्यूल के लिए है। अब इसी चीज को हम मॉलिक्यूल के लिए लिखेंगे। 1 मोल इज इक्वल टू 6.22 इंटू 10^23 मॉलिक्यूल्स। ठीक है, इक्वल टू 1 ग्राम मॉलिक्यूल, 1 ग्राम मॉलिक्यूल और 1 ग्राम मॉलिक्यूलर मास। ओके, या हम इसको ग्राम मॉलिक्यूलर मास भी
कह सकते हैं, इसको ग्राम एटॉमिक मास भी कह सकते हैं, कोई जरूरत नहीं है लिखने की। वन, अब ये देखो भाई, अगर कहीं एटम के फॉर्म में पूछा जाता है तो वन मोल हमने एटम के फॉर्म में लिख दिया, वन मोल इज इक्वल टू कोई भी सब्सटेंस का वन मोल है सेम कंडीशन में टेम्परेचर प्रेशर के, तो 6.022 × 10²³ एटम्स होते हैं इसमें, कितने होते हैं 23 एटम्स होते हैं, और ये इक्वल टू 1 ग्राम एटम होता है, 1 ग्राम एटम होता है, और ये इक्वल टू ग्राम एटॉमिक मास के बराबर होता है, उस सब्सटेंस के ग्राम एटॉमिक मास के बराबर होता है, ठीक है। तो ये कह सकते हैं कि 12 ग्राम कार्बन एटम के अंदर इतने ही एटम होते होंगे, अगर कंपेयर करें कार्बन से तो वहाँ 12 ग्राम कार्बन एटम बोलेंगे। मॉलिक्यूल के फॉर्म में यहाँ पे है अगर 1 मोल इज इक्वल टू 6.022 × 10²³ मोल्स, और ये इक्वल टू होता है 1 ग्राम मॉलिक्यूल, और यही हमारा ग्राम मॉलिक्यूलर मास के बराबर होता है। ये क्या होता है, ग्राम मॉलिक्यूलर मास के बराबर होता है, नोट डाउन। नेक्स्ट, इन गैसियस स्टेट एट एसटीपी, इन गैसियस स्टेट स्टेट एट एसटीपी इन गैसियस स्टेट एट एसटीपी एसटीपी क्या होगा, टेम्परेचर 273 केल्विन एंड प्रेशर 1 atm, तो ग्राम मॉलिक्यूलर मास इक्वल टू ग्राम मॉलिक्यूलर, इसको थोड़ा इधर से लिख देते हैं, ग्राम मॉलिक्यूलर मास मॉलिक्यूलर मास इक्वल टू 1 मोल, अभी हमने देखा 1 मोल, ये इक्वल टू कितना होता है 22.4 लीटर, और ये इक्वल टू होता है 6.022 × 10²³ मॉलिक्यूल, ठीक है, 23 मॉलिक्यूल, ध्यान देना है गैसियस स्टेट में। और यही हमने जो है कि एवोगैड्रो लॉ बताते वक्त ये लाइन हमने नोट कराई थी, याद होगा तो, एवोगैड्रो लॉ बताते वक्त ये लाइन हमने नोट कराई थी, ठीक है। तो 1 ग्राम गैसियस स्टेट एट टू से एट एसटीपी इज इक्वल टू टी इक्वल टू 273 केल्विन, पी इक्वल टू 1 atm, प्रेशर अगर लेते हैं तो ग्राम मॉलिक्यूलर मास इक्वल टू हो जाएगा 1 मोल 22.4 लीटर वॉल्यूम, एसटीपी पर इतना वॉल्यूम होता है, और 6.022 × 10²³ मॉलिक्यूल इसके अंदर होते हैं, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं, अब यहाँ पे जो स्टैंडर्ड नंबर है, स्टैंडर्ड नंबर नंबर इक्वल टू 6.023 × 10²³ इज कॉल्ड एवोगैड्रो नंबर, एवोगैड्रो नंबर,
ठीक है, इस स्टैंडर्ड नंबर को एवोगैड्रोज नंबर कहते हैं। लेकिन क्या इस एवोगैड्रोज नंबर एवोगैड्रो ने दिया था? नहीं, इन ऑनर ऑफ एवोगैड्रो, एवोगैड्रो, बट इट वॉज नॉट डिस्कवर्ड बाई, इट वॉज नॉट गिवन बाई एवोगैड्रो, नॉट गिवन बाई एवोगैड्रो। ओके, एक जो स्टैंडर्ड नंबर हमें यहाँ से क्या पता लगा, एक स्टैंडर्ड नंबर हमें पता लग गया, और वो स्टैंडर्ड नंबर क्या है, 6.022 या कहीं पे 23 भी लिखा हुआ है, 22 × 10^23, इसको हम एवोगैड्रो नंबर कहते हैं। अब एवोगैड्रो नंबर इन हॉनर ऑफ एवोगैड्रो बोला जाता है, इन हॉनर ऑफ एवोगैड्रो बोला जाता है, ठीक है। लेकिन एवोगैड्रो ने इसको डिस्कवर नहीं किया था, ठीक है, इसको डिस्कवर नहीं किया था। एक अब इसको हम इरेज करते हैं। ये देखिए, ये कॉन्सेप्ट है जो आपको दिमाग में रखना है, ठीक है। अब इसके बाद कुछ और भी चीज़ें हैं कॉन्सेप्ट के फॉर्म में, हम लोग फिर एक आध न्यूमेरिकल भी देख लेंगे। अब इसके बाद है एवोगैड्रो नंबर, एवोगैड्रो नंबर इज डिनोटेड बाय NA, इसको हम NA से दिखाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे जो वॉल्यूम एक मोल गैस के द्वारा ऑक्यूपाई होता है, ऑक्यूपाइड बाय वन मॉलिकुलर गैस, उसको हम मोलर वॉल्यूम कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? मोलर वॉल्यूम, ठीक है। द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय, वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय बाय वन मोल मॉलिक्यूल, वन मोल मॉलिक्यूल ऑफ, मॉलिक्यूल ऑफ गैस एट एसटीपी, वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय वन मोल मॉलिक्यूल ऑफ गैस एट एसटीपी इज कॉल्ड मोलर वॉल्यूम, ओके, मोलर वॉल्यूम और ग्राम मॉलिक्यूलर वॉल्यूम, ठीक है, इसको हम ग्राम मॉलिक्यूलर वॉल्यूम कहते हैं। ध्यान रखें, ये भी एक कॉन्सेप्ट है, ये भी क्या है, एक कॉन्सेप्ट है, किसी भी गैस के लिए इक्वल कंडीशन है, सेम कंडीशन है, टेम्परेचर प्रेशर की, एसटीपी की बात हो रही है, तो किसी भी गैस के लिए, तो ये भी एक कॉन्सेप्ट है। क्या कॉन्सेप्ट है? कॉन्सेप्ट ये है कि वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय वन मोल मॉलिक्यूल एट एसटीपी इज कॉल्ड मोलर वॉल्यूम, इसको हम मोलर वॉल्यूम कहते हैं या ग्राम मॉलिक्यूलर वॉल्यूम कहते हैं, ठीक है, नोट कर लीजिए।
अब इस तरह से जो मॉलिक्यूल मोल नंबर हो गया, नंबर ऑफ मोल्स, इसको कैसे लिखेंगे? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मोल्स इक्वल टू अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इन ग्राम, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इन ग्राम इन ग्राम डिवाइडेड बाई मोलर मास ऑफ दैट सब्सटेंस, मोलर मास ऑफ दैट सब्सटेंस। ठीक, मोलर मास ऑफ दैट सब्सटेंस। तो नंबर ऑफ मोल इसको हम स्मॉल एन से डिनोट करते हैं, इक्वल टू अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इन ग्राम, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इन ग्राम अपॉन मोलर मास ऑफ दैट सब्सटेंस, उस सब्सटेंस का मोलर मास। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। अब जो हम लोगों ने कॉन्सेप्ट अभी हमने बनाया देखा, उसको हम समराइज कर लेते हैं। ठीक है, इसको हम क्या करेंगे, समराइज करेंगे, इरेज कर दें इसको। अब इस कॉन्सेप्ट का जब हम जितनी बार एप्लीकेशन करेंगे उतनी बार ये हमें समझ में आएगा। ठीक है, अब इसमें हमें क्या करना है, हम यहाँ पे इसको ब्रैकेट में यहाँ पे हम मोल लिख देंगे। ठीक है, एक यहाँ बॉक्स बनाएंगे इधर पे, और इस बॉक्स में लिख देंगे नंबर ऑफ एंटिटीज, नंबर ऑफ एंटिटीज। ओके, और एक बॉक्स यहां पे बनाएंगे, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ गैस इन लीटर एट एसटीपी, वॉल्यूम ऑफ गैस इन लीटर एट एसटीपी। ठीक है, और एक बॉक्स यहां बनाएंगे, ठीक है, थोड़ा इस बॉक्स को और इधर बना देते हैं। ठीक है, इस तरह से, और इसमें लिख देते हैं क्या, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इन ग्राम, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इन ग्राम। ठीक है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इन ग्राम। अब इनको हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे। कैसे जोड़ेंगे, मोल मल्टीप्लाइड बाई मल्टीप्लाइड बाई, ओके, और यहाँ पे डिवाइड बाई। ठीक है, डिवाइड बाय किससे डिवाइड करेंगे, किससे मल्टीप्लाई करेंगे, एवोगैड्रो नंबर, किससे, एवोगैड्रो नंबर। एवोगैड्रो नंबर कितना है, 6.022 इंटू 10 टू पावर 23। ठीक है,
अगर कोई भी हमें नंबर ऑफ एंटिटीज निकालनी है कि कितने नंबर ऑफ एटम, कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल होंगे, तो मोल को कितना मोल दिया रहेगा उसको एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे। और अगर हमें मोल निकालना है तो जो नंबर ऑफ एंटिटीज दी हुई है उसको एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड कर देंगे। क्लियर है? तो एक कॉन्सेप्ट हो गया। दूसरा यहाँ पे आते हैं, ठीक है, यहाँ पे हमने लिख दिया मल्टीप्लाइड बाय, और दूसरी लाइन यहाँ हो गई डिवाइडेड बाय। किससे करेंगे? मोलर मास। अगर मोल को मल्टीप्लाई कर दें मोलर मास से, तो हमें अमाउंट ऑफ सब्सटेंस पता लग जाएगा। हमें क्या पता लग जाएगा? अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। और अगर अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को डिवाइड कर दें मोलर मास से, तो हमें पता लग जाएगा मोल। हमें क्या पता लग जाएगा? मोल पता लग जाएगा। तो दो चीजें हमने जान ली। अब यहाँ अगर मोल निकालना है तो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को डिवाइड कर देंगे मोलर मास से, और अगर मोल दिया है सब्सटेंस निकालना है तो मल्टीप्लाई कर देंगे मोलर मास से। कितना ईजी है, ठीक है, तो घबराने की जरूरत नहीं। इसी तरह से यहाँ पे भी हम कर लेंगे, इसको यहाँ से लाइन खींच देते हैं, यहाँ पे बाई लिख देते हैं और ये यहाँ खींच देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हमें क्या लिखना है? मल्टीप्लाइड बाय। और इधर हो जाएगा डिवाइड बाय। इससे करेंगे 22.4 लीटर, ठीक है। अब अगर वॉल्यूम ऑफ गैस हमें निकालना है, ठीक है, इस एरो का मूव इधर कर देंगे। अगर हमें मोल दिया है वॉल्यूम निकालना है, हमें क्या करना है? मोल दिया है वॉल्यूम निकालना है, तो मल्टीप्लाई कर देंगे मोल को वॉल्यूम से। तो हमें मिल जाएगा वॉल्यूम ऑफ गैस इन लीटर एट एसटीपी, ठीक है, और अगर हमें मोल निकालना है, तो क्या करेंगे? इस वॉल्यूम, जो वॉल्यूम ऑफ गैस आएगा एसटीपी पे, उसको हम डिवाइड कर देंगे 22.4 लीटर से, तो हमें यहाँ पे मोल पता लग जाएगा। अब देखो भाई, हमने सारी चीज को एक जगह पे फार्मूले के रूप में समराइज कर दिया। अब इसका यूज करके हम कोई भी न्यूमेरिकल लगा सकते हैं। एक बार फिर से हम इस चीज़ को थोड़ा सा बता देते हैं कि यहाँ पे याद क्या रखना है। अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं, एरो का देखो ट्रिक क्या है, जहाँ जहाँ मल्टीप्लाइड है, एरो जिधर एरो जा रहा है उधर हमें वो सब्सटेंस निकालना है, ठीक है। हमें नंबर ऑफ एंटिटीज निकालना है, बोल दे कितने एटम है, कितने मॉलिक्यूल है किसी गिवन मोल ऑफ सब्सटेंस में, तो मल्टीप्लाई कर देंगे एवोगैड्रो नंबर से। हमें अमाउंट ऑफ सब्सटेंस पता करना है गिवन मोल में, तो मोल को मल्टीप्लाई कर देंगे मोलर मास से, तो हमें अमाउंट ऑफ सब्सटेंस पता लग जाएगा। अगर हमें वॉल्यूम ऑफ गैस पता करना है
तो उसको मल्टीप्लाई कर देंगे हम, इसे मल्टीप्लाई कर देंगे 22.4 लीटर, तो एसटीपी पर हमें उसका वॉल्यूम पता लग जाएगा। अब अगर हमें किसी चीज़ से मोल पता करना है, किसी भी चीज़ से मोल पता करना है, तो क्या करेंगे? जैसे नंबर ऑफ एंटिटीज से नंबर ऑफ मोल पता करना है, तो एवोगैड्रो नंबर से इसको डिवाइड कर देंगे। अब अगर हमें मोल पता करना है गैस, वॉल्यूम ऑफ गैस एसटीपी पर दिया हुआ है, वॉल्यूम ऑफ गैस एसटीपी पर दिया है, तो डिवाइड कर देंगे 22.4 लीटर से, तो मोल पता लग जाएगा। अगर अमाउंट ऑफ सब्सटेंस से हमें मोलर मोल पता करना है, तो क्या करेंगे? अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को मोलर मास से डिवाइड कर देंगे, तो हमें मोल पता लग जाएगा। ठीक है, तो आई होप ये अच्छा लगा होगा, इसको नोट कर लीजिएगा स्क्रीनशॉट लेकर के। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।